चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बक्का मरा उम्र साहब को लिया पंखा की बारिश है, स्टूडेंट जाता जाता भी काम करवा ले दो। जब कौन पढ़वा दे स्टूडेंट, शुरू कहीं गया पढ़ोगा तो कहीं लागे ली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो भी बज चुके हैं 10:30 के समथिंग हो चुके हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और में भी आप क्या कर रहा है वो काम लोगों ने कि आ जाए जो उल्ट्रासाउंड पे। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी नाचों के पूरा रेडी हो चुके हैं और दलिया वाले सब था वो खा लिया है मैंने, सबसे टॉयलेट कर गए हैं। और सुनील भाई साहब को फोन किया था मैंने, सुनील भाई साहब की साइड पे जा रहे थे तो बाको वो गटर बाथरूम वो जो भी थे वो वॉशरूम मतलब वो बर्ग हो बाकू भर गए। थोड़ा दिन पहले कराए थे मतलब 10-15 दिन पहले भी कराए थे और अब वापस भर गए। मतलब अतरो का खाओ जो केक रोज पतो अतरो पहले वो खाली करवाएंगे फिर वो साइड पे जाएंगे। फिर साइड जाने के बाद मतलब करीबन 12-1 समथिंग बच जाए, 1-1 समथिंग बच जाएगा। तो फिर देर क्या करते हैं अपन घर को निकालते हैं, अपना जो बताया काम वो करते हैं, जब जाने की बारी होगी तो मिलते हैं आपसे। और कल तो ऐसा कल का दिन पूछो मत, तुम देख लिया होगा ब्लॉग में और क्या सीन था ये आज का, क्या बोल रहा था वहाँ और हो वो बाद बताऊँगा आपको, बाद बताऊँगा बाद बताऊँगा कह रहा हूँ बाद बताऊँगा। तो अभी लैपटॉप चालू करते हैं काम करते हैं अपना। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली 1 बज चुका है और अभी सुनील भाई साहब को फोन किया था मैंने तो उनका तो अभी वो टैंकी का ट्रैक्टर ही वो टैंक खाली करने वाला ही नहीं आया अभी। तो वो अब मतलब थोड़ी देर पहले आए हैं वो मतलब टैंक वाला आया था तो उन्होंने टैंक खाली किया। अब वो साइड पे जाएंगे, साइड पे जाके वो साइड पे वापस आएंगे 2-3 घंटे बाद आएंगे। तो यार आज का टाइम भी मेरे को लगता है वेट पे चला गया। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही यूट्यूब पे देख दाख के उसको कर लेते हैं वेल डन। और खाना वाना जो भी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और मामी जी यहाँ पे है नहीं, मामी जी कोई पास में कोई वो है क्या बोलते हैं उसको भजन कीर्तन का प्रोग्राम तो वहाँ पे गए वापस मामा वो मामी और मामा जी आज नीम पथाना गए आज फिर से कोई काम था और वो शाम तक आ जाएंगे। तो आ जाने मुझे सोचा है नहीं शायद आने वाला ही होगा थोड़ी देर में। लाइट और चली गई यार, काम और नहीं हो पाता, मेरे को पता ही नहीं था काम करने का लग रहा था। एकदम से आया बैटरी डिस, मैंने बटन चालू किया तो पता चल लगा लाइट ही नहीं आई थी। मेरे को सुबह ऑप्शन आ रहा मुझे झूठ बोल रहा है। और आज का दिन मेरे को लग रहा है झंडो का आज। हाँ नहीं है वो तो इधर नहीं है, ये अंदर घुस रहा वो आ गया। ये आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही निकल गया। और मामी जी वगैरह जाके आ गई, जाया कि कीर्तन भजन में कराया कि मोक्ष की प्राप्ति ले आया कि मुक्ति। अब चलते हैं बाहर, वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी मिलेगा तो मिल लेंगे उससे भी। और वैसे वीडियो अपलोड तो करनी है, चले बाहर। देख रहे हो कालू को कई दिन हो गए ब्लॉग भी आए हुए, आज गया था और भाई साहब पता है कहाँ जाके आया, उज्जैन जाके आया महाकाल के जन्मभूमि पे। जन्मभूमि होगी यार, जन्मभूमि है क्या बताना है, जन्मभूमि है क्या माँ वो उज्जैन केदारनाथ है पता नहीं। शाबाश बढ़िया। और वैसे तो कई देर हो गई आते बैठे आंटी जी बैठी तो फिर जो शर्म आ गया ना खोलिया बहुत बढ़िया। और वो दीदी थी तो शाम कर वो तो जानो जो फिर आया कल्डी छाती कर फिर करनी पड़ जाए तेरी छाती हुई कोई ना बढ़िया। क्या हाल थे उज्जैन में, क्या सीन चल रहा है? बढ़िया दर्शन ओमकारेश्वर में सबसे ज्यादा भीड़ बाबा फोटो बढ़िया लगे यार बा एक तो खिंचाए दो ना बा दीपक चार मेरे ओमकारेश्वर बहुत ज्यादा भीड़ महाकाल तो फिर भी कम थी 15 मिनट में वहाँ पे दर्शन करा दिए थे और ओमकारेश्वर में 4.5 घंटे लग गए थे। अच्छा और जिस पानी में था ना उसमें मैं डूब गया था मैं बाप निकाल के लाया मैं। गंगा जी गए थे मम्मी सैंटी देख रहा होगा तो सैंटी के पापा जी गए अब बारी उतर रहा है देख ऐ जय जी ऐ जी जो गया बाद आए को ना। और मम्मी सागे लटक बाद छोटी छोटी बाण और गई मार छोटी छोटी बाण जब बिंदी खा रहा था कि ऐसे ऐ ऐ नहीं ऐ जो गया बाद में आए को ना तो पूरा डोरीमोन।
फिर मम्मी कूद गई मणगा सूरवीरा भाभी तो दो में मछुआरा तो नहीं करने तो वो पकड़ ले आया मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। भाई साहब सगवर कहा कि वाले धड़क दे जोगी जी सबको काल जो उठाए तो दड़ा दे मेरे भी उठाए जो आया मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है जी के बाद में जाओ ही करा भाई के तो सीख ही जाओ अब तो फिर जिस दिन से याद है यार स्विमिंग सीखनी चाहिए कल चले कल जाएगा तू कल घर से पैदल जा हां तो फिर कब पहुंचोगे तुम वहां 11 तक पहुंचोगे नहीं 14 को नहीं वहां पे रिंगस रिंगस से पकड़ेंगे ना तुमको रिंगस में पकड़ोगे तुम 14 13 को पकड़ लेना 13 को आ जाना यानी 14 को कल ही पहुंच जाओगे यार क्या बोला तूने मैं लग रहा रिंगस घर से पहुंच जाओगे मजाक समझ आ गया 90 किलोमीटर तक और अभी भाड़ू वाड़ू तो सारे गांव गया हुआ है तो वो तो आएगा नहीं आज कालू एकला ही जाएगा जिम करने तो आज देख रहा है हाँ जिम भी चल जाता है इधर तो आता ही नहीं है वो बाइक ले गए हुए बापू जी बस सुनने के लिए परेशान हो रखा है तभी इधर आदम का है और इधर तभी आता है तब भाड़ू रहता है वरना मान तो कान देखवा हो जाए नहीं भैया आता ही हूं मैं सिवा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली घर पे आ चुके हैं और वो देखो वो बैठे एटीट्यूड मामा जी बोला आज हैं मामा जी बोला आज तो आ तो मामा जी आओ बोला भाई साहब उधर ले जाओ पड़ा वो परेशान कर लेला आ तो जवार में लंबा गला मतलब स्कूट लेर वाड़ो पड़ा और मामा जी और मामी और हमारे वहां पे टीवी देखने लग रहे हैं और वो कालू अपना जिम चला गया फिर बाद में सीधा मैं एडिटिंग अपलोड वगैरह सब कुछ करने लग गया फिर अभी घर पे पहुंचा हूँ घर पे आते बस मामा जी खबर लिए तो आज के ब्लॉग में बस इतना आज का ब्लॉग बहुत बोरिंग हो रहा है अरे तू जा रही लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट बाय बाय।